हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग अपना क्वेश्चन शेयर कीजिए, तो बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन शेयर किया कि ये क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैंने बोला था कि शाम तक मैं एक वीडियो अपलोड कर दूँगा। तो चलिए ये देखते हैं आज का रिव्यू वीडियो। हो सकता है कि कुछ मिस्टेक हो या वो क्वेश्चन नहीं आया हो, मे बी, बट आई थिंक जिन्होंने भेजा है 99% मेरे अकॉर्डिंग करेक्ट ही है, यही क्वेश्चन पूछे गए थे। हो सकता है कुछ लैंग्वेज में कुछ हेर फेर हो, लेकिन यही क्वेश्चन पूछे गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए करेक्ट स्पेलिंग से आपको चार क्वेश्चन पूछने को देखने को मिला था। तो देखिए कौन कौन से थे। कमिटी, सी ओ, इसका स्पेलिंग क्या होगा, सी ओ डबल डबल एम आई डबल टी डबल ई। तो ये स्पेलिंग मेरा करेक्ट था, क्योंकि चारों ऑप्शन अगर होगा तो चारों ऑप्शन में कहीं पे एक टी दिया होगा, कहीं पे एक एम दिया होगा, कहीं पे एक ई दिया होगा। तो जो भी करेक्ट आंसर है ना, मैं वो डायरेक्ट करेक्ट आंसर यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, डायरेक्ट करेक्ट आंसर। तो कमिटी का ये हो गया मेरा। और देखिए मैनोवर का मेरा ये हो गया। और रिकमेंड, जैसे यूट्यूब पे रिकमेंड किया जाता है आप लोगों को वीडियो की, ये वीडियो देखिए, वो वीडियो देखिए, मैंने इस लेवल में भी रिकमेंड करवाया हुआ था। तो कोई भी स्टूडेंट्स जो कि मेरा वीडियो देखे होंगे तो उन्हें याद होगा रिकमेंड का स्पेलिंग। तो चलिए ये रिकमेंड का ये है स्पेलिंग। और नेक्स्ट है मेरा सैक्रिलीजियसली, तो उसका देखिए ये है स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग। आप लोगों ने जो भी मारा होगा आपको तो याद तो होगा ही, अगर याद होगा तो आप मैच कर लीजिए और इससे पता चल जाएगा कि आपने कितना स्पेलिंग मिस्टेक में सही किया। अगर अटेम्प्ट नहीं लिए तो कोई बात नहीं है, अगर अटेम्प्ट लिए हैं तो आप इससे जान जाइए। चलिए नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्माइलीज। देखिए स्माइली से क्वेश्चन आए हुए थे, कंपेरिजन डिनोटिंग वर्ड से। तो इसमें क्या क्या था, देखिए ये मैटर नहीं करता कि एज थिक एज, एज थिक एज बहुत सारी चीज़ होते हैं, लेकिन ये मैटर करता है कि क्वेश्चन में किस चीज़ के लिए के साथ कंपेयर किया जा रहा है। तो बेसिकली जब स्टूडेंट्स बता रहे थे कि दीवार के साथ कंपेयर किया जा रहा था, तो इस केस में क्या हो जाएगा मेरा, एज थिक एज वॉल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एज मैड एज हेटर। मैंने PDF टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दिया हुआ था, जो लोग भी पढ़ के गए होंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बेस्ड थे, जो लोग भी टेलीग्राम से जुड़े हुए थे उन्हें मैंने जो बेसिक मटेरियल रिक्वायर्ड था वो मैंने शेयर कर दिया था। जो भी पढ़ के गए होंगे आई थिंक मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से आया हुआ था, तो आप इजीली कर लिए होंगे। इंग्लिश का, मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, मैकेनिक्स का वीडियो अभी क्वेश्चन मेरे पास नहीं आए हुए हैं, कुछ ही क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मैं भी मैकेनिक्स का वीडियो कल अपलोड करूँगा। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी आप लोग कुछ भी थोड़ा सा भी याद हो ना क्वेश्चन, तो शेयर कीजिए, इससे आपका मार्क्स घटने वाला नहीं है, इससे आपको और जानने में सहूलियत होगी कि मैंने कितना अटैम्प्ट किया और कितना पे कट ऑफ जाने वाला है और मेरा रैंक कितना के अंदर आने वाली है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एज फिट एज क्या होगा मेरा, एथलीट। नेक्स्ट, एज सिली एज फॉक्स। ये चार एकदम ईजी, ये चार और उधर चार, चार चार आठ नंबर, तो आप अगर थोड़ा सा भी मेहनत किए होंगे तो आसानी से ला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट बेबीज नेम, माने जानवर के जो थे ना पशु पक्षी के, वो बेबी के नेम पूछे गए थे। तो पिजन का क्या होता है, स्क्वीकर या स्क्वैब। ठीक है, और क्रोकोडाइल का क्या होता है, हैचलिंग। देखिए ईजी क्वेश्चन बस ये था, एस के कीट का क्या कहते हैं हम, फॉल, यही बस। ये दोनों आई थिंक टफ था, लेकिन उतना भी टफ नहीं था, जो भी PDF पढ़ के गए होंगे तो उन्हें इसमें दिक्कत नहीं हुई होगी, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो चलिए ये तीन क्वेश्चन थे करेक्ट चाइल्ड्स नेम से। और देखिए एक पूछा गया था, ग्रुप ऑफ कैटरपिलर इज कॉल्ड, कैटरपिलर जो बेसिकली एक तरह से कहते हैं बटरफ्लाई का जो वो होता है, तो उसे कैटरपिलर के ग्रुप को क्या कहते हैं हम, आर्मी। कैटरपिलर के ग्रुप को क्या कहते हैं हम, आर्मी। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव फॉर्म। देखिए एडजेक्टिव फॉर्म से बेसिकली क्वेश्चन आया था, तो जैसा कि आपको कई वीडियो में मैंने रूट वर्ड करवाए हुए थे, अगर आपने रूट वर्ड पे थोड़ा सा भी ध्यान दिया हुआ तो आप ये तीन का तीन एडजेक्टिव करेक्ट करके आए होंगे। स्किन, मैं बार बार बता रहा था आप लोगों को कि स्किन जहाँ भी डर्मा दिखे ना, समझ जाइए स्किन की चर्चा हो रही है। तो ये क्वेश्चन आपको आखिर आ ही गया, अल्टीमेटली ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिला। चलिए इसके करेक्ट आंसर क्या होंगे, डर्मा।
ईयर, ईयर बेसिकली कान। तो आप लोग को पर्टेनिंग टू ईयर, पर्टेनिंग टू ईयर का मीन्स क्या हुआ कि कान से संबंधित, तो कान से संबंधित कौन सी चीज़ होती है, ओरल। तो ये मेरा ओरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिस्टर, जैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि साइड रूट वर्ड से बहुत सारे वर्ड बताए हुए थे, तो साइड मीन्स किलिंग होता है। सोरोरी साइड आप लोगों ने सुना होगा, तो सोरोरी साइड का मतलब क्या होता है, सिस्टर का किलिंग, किलिंग ऑफ सिस्टर। तो उसी से आप लोग कर सकते हैं कि रूट वर्ड से मैक्सिमम क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए मैंने आप लोग को रूट वर्ड जितना हो सका ज़्यादा से ज़्यादा उतना मैंने अपलोड कर दिया था। तो आई थिंक आपको उससे कुछ सहूलियत मिली होगी। तो सिस्टर का रूट वर्ड था सोरर करके था, तो इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, मैंने सोरर, मैंने आप लोग को बोला था जहाँ भी हो रूट वर्ड पकड़िए। चलिए नेक्स्ट है मेरा अ लार्ज ग्रुप ऑफ फिश, मैंने लार्ज ग्रुप ऑफ फिश को क्या कहा जाता है, तो इसे सॉल कहा जाता है। मे बी इससे थोड़ा हट के क्वेश्चन आया होगा, मे बी थोड़ा डाटा कुछ वर्ड का मिस्टेक होगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यही क्वेश्चन आए हुए थे एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज थ्री कॉन्सोनेंट, पूछा गया था कि इन सभी में से किस में तीन कॉन्सोनेंट है। तो देखिए बेसिकली स्पीक में है SP and K, तो तीन कॉन्सोनेंट इसमें आ गए, तो ये करेक्ट मेरा क्या हो जाएगा, स्पीक, जो चार ऑप्शन दिए गए थे उसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, स्पीक वाला। अब देखिए प्रीपोजिशन से बेस्ड कुछ क्वेश्चंस थे, तो चलिए देखते हैं। अगर आप लोग कभी न्यूज़पेपर पढ़े होंगे या फिल्म वगैरह में भी, नॉर्मली आजकल जनरली फिल्म में देखा जाता है कि अक्सर ये कॉमन यूजेबल सेंटेंस है जो कि अक्सर बोला जाता है। तो क्या था मेरा, लेट्स कंप्लाई .. दिस प्रोजेक्ट। तो देखिए हमेशा कंप्लाई के साथ विद का यूज होता है, तो अगर आप लोगों ने विद लगाया है तो आप सही हैं, अगर नहीं लगाया है तो आप गलत हैं। तो कंप्लाई के साथ क्या लगता है, विद। चलिए नेक्स्ट, यू मस्ट अवॉइड बाय दिस लॉ, तो अक्सर आप लोग सुनते होंगे कि अवॉइड के साथ हमेशा बाय लगता है, जैसे सुनते हैं कि कोई कोर्ट में गया तो कहता है यू मस्ट अवॉइड बाय दिस थिंग्स, और अवॉइड बाय, यू मस्ट अवॉइड बाय द बिहेवियर ऑफ दैट पर्सन। इसी तरह से अवॉइड के साथ हमेशा बाय का यूज होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, मुझे इतने ही क्वेश्चन मिले स्टूडेंट्स ने शेयर किया। अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चन हो तो ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि अगर हो सके तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड कर पाऊँ, और मैकेनिक्स का भी क्वेश्चन और मैथ का अगर हो तो अपलोड कीजिए, शेयर कीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, देखिए एक तरह से ये भी साइनों का ही क्वेश्चन था, विच इज़ नॉट सिमिलर एज दैट ऑफ अदर, माने इन सभी में से कौन सा ऐसा है जो दूसरे के सिमिलर नहीं है। देखिए रीजन का मतलब क्या होता है, कोई जोन या कोई एरिया, तो ये सब तो सेम हो गया, तो कॉन्टिनेंटल मिला मेरा क्या हो गया, अलग वर्ड हो गया। इट्स नॉट सिमिलर एज दैट ऑफ दीज थ्री वर्ड्स, रीजन, जोन एंड एरिया आर सेम बट द कॉन्टिनेंटल इज डिफरेंट, सो इट वुड बी आवर करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए अब मुझे जितने क्वेश्चन मिले स्टूडेंट्स ने शेयर किया, मैं उतने क्वेश्चन शेयर कर दे रहा हूँ। मे भी कोई क्वेश्चन में थोड़ा इधर उधर हो गया हो तो उसके लिए कोई इश्यू नहीं है। तो जो आप लोगों ने शेयर किया, चूँकि मैंने तो एग्ज़ाम देने नहीं गया था, मैं तो रिव्यू दे रहा हूँ आप लोगों की, स्टूडेंट्स ने कैसे कैसे क्वेश्चन शेयर किए, क्या क्या आया था। अगर कोई अलग क्वेश्चन आया था या फिर आप लोग को लगे कि नहीं सर ये क्वेश्चन नहीं आया था, तो वो आप बता सकते हैं, वो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। हाँ एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मैकेनिक्स का क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन या इंग्लिश में कुछ और भी क्वेश्चन आप लोग को अगर याद हो तो बता दीजिए, ताकि मैं कल एक कटअप पे वीडियो डाल दूँ। और आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, कल मैं कटअप पे एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि पिछले साल क्या कटअप गई थी और कितने मार्क्स स्कोर किए थे स्टूडेंट्स, तो उनका रैंक कितना गया था। तो आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, अब जो होगा आपने तो अपना वर्क कर दिया, आपको हार्ड लेवर करना था, आपने हार्ड लेवर किया होगा, आपको अच्छे से एग्ज़ाम देना था, दिया। मे भी क्वेश्चन, हाँ सुनने में आया है कि मैकेनिक्स का पेपर थोड़ा टफ था, ग्रेविटेशन से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो अगर टफ था तो सब स्टूडेंट्स के लिए टफ था। तो बेसिकली मेरे हिसाब से कट ऑफ कुछ कम जाना चाहिए, तो जो कुछ आप लोग अपने क्वेश्चन शेयर कीजिए, ताकि मैं एक रिव्यू वाला वीडियो डाल सकूँ और कट ऑफ पे वीडियो निकाल सकूँ। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर।